नमस्कार दोस्तों, आप सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ये खूबसूरत सा पंचु बनाएंगे। यदि आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम पंचु बनाते हैं। 5 साल की बेबी का पोंचू बनाने के लिए हम 96 फंदे डालेंगे। तो इस तरह क्रोशिया रखेंगे, इसको ऐसे घुमाएंगे और इसके में से एक ऐसे बल देंगे, निकालेंगे। और अब हम 96 चेन डालेंगे। 1, 2 चेन हम थोड़ा ढीला ढीला डालेंगे ताकि हमें बुनाई करने में आसान रहे। 23 बनाने के बाद हम इसमें ऐसे एक मार्कर लगा देंगे और ये हमारा 24वां चेन है। फिर हम बनाना शुरू करेंगे और ये 48वां चेन है। तो 48वें चेन में भी हम एक ऐसे मार्कर लगा देंगे ताकि हमें फिर दोबारा गिनना ना पड़े। तो इस तरह करते हुए हम 96 चेन बनाएंगे। हर 24वें चेन में हम यानी कि अगला हम मार्कर 72 चेन में लगाएंगे। तो इस तरह हम 96 चेन बना लेंगे। 96 चेन कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम इसको पहले वाले चेन में ऐसे जोड़ देंगे। तो ये हमने पहले वाले चेन में जोड़ दिया। अब यहाँ पे हम 2 चेन लेंगे और यहाँ पे हम 1 डबल क्रोशिया बनाया, 1 ये काउंट होगा, तो हम 2 डबल क्रोशिया, यानी कि हमने यहाँ पे 1 काउंट करेंगे तो 3 डबल क्रोशिया। फिर 1 चेन लेंगे और फिर इसी में 3 डबल क्रोशिया और 1, 2 और 3। तो यहाँ पे हमने 6 डबल क्रोशिया बना लिया। फिर हम 2 चेन छोड़ेंगे और तीसरे चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 चेन लेंगे, फिर इसी में 1 और डबल क्रोशिया, फिर बल लेंगे, 2 चेन छोड़ेंगे और तीसरे चेन में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2 और 3। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 चेन लेंगे और फिर इसी में 3 डबल क्रोशिया, 1, 2 और 3। फिर 1 बल लेंगे, 2 चेन छोड़ेंगे और तीसरे वाले चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 चेन लेंगे और फिर इसी में 1 और डबल क्रोशिया, 1 बल लेंगे, 2 चेन छोड़ेंगे और तीसरे चेन में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 बना लिया, दो, 3 डबल क्रोशिया, फिर 1 बल लेंगे, 1 चेन बनाएंगे और फिर इसी में हम 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1, 2, 3। फिर 1 बल लेंगे, 2 चेन छोड़ेंगे और तीसरे में
एक चेन डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लेंगे और फिर इसी में एक डबल क्रोशिया, फिर हम बल लेंगे, दो चेन छोड़ेंगे, एक दो, और तीसरे में तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लेंगे, फिर इसी में तीन डबल क्रोशिया, फिर एक बल लेंगे और दो चेन छोड़ेंगे और तीसरे में एक वी बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक बल लेंगे और तीसरे में ये हमारा मार्कर वाला चेन है, तो तीसरे में हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर इसी में तीन डबल क्रोशिया, एक दो तीन, फिर एक चेन लेंगे और फिर इसी में तीन डबल क्रोशिया, एक दो और तीन। तो ये देखिए यहाँ पे हमने एक ही में नौ डबल क्रोशिया बनाया है, तीन बनाया, एक चेन लिया, फिर तीन डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लिया और फिर तीन डबल क्रोशिया, फिर एक बल लेंगे, दो चेन छोड़ेंगे और तीसरे में एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेंगे और फिर इसी में एक डबल क्रोशिया, तीन। तो देखिए फ्रेंड्स, 96 चेन को हमने इस तरह डिवाइड किया है, यहाँ इसको एक मानिए और यहाँ से हमने स्टार्ट किया है। स्टार्टिंग पॉइंट पे हमने सिक्स डबल क्रोशिया बनाया है, तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन, फिर तीन डबल क्रोशिया, उसके बाद दो चेन छोड़ा है और तीसरे में एक वी बनाया है, यानी एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर दो हमने यहाँ पे दो चेन छोड़ा है और नेक्स्ट में हमने छः बनाया है, तीन डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर तीन डबल क्रोशिया, उसके तीसरे में हमने दो बनाया है, यानी कि ये भी डबल क्रोशिया, चेन, डबल क्रोशिया, फिर सिक्स, फिर टू, फिर सिक्स, यानी प्रत्येक के बीच में दो दो चेन छूट रहे हैं, फिर सिक्स और यहाँ पे टू, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात बार हमने बनाया। यहाँ से हमने स्टार्ट किया, छः डबल क्रोशिया से हमने स्टार्ट किया, इसको एक मान लें, तो बीच में तीन बार हमने सिक्स डबल क्रोशिया बनाया और तीन बार दो डबल क्रोशिया, और यहाँ पे हमने ये हमारा चौबीसवां चेन है, यहाँ पे हमने बनाया तीन डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर तीन डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और फिर तीन डबल क्रोशिया, यहाँ पे हमने ऐसे बनाया। फिर हम स्टार्ट करेंगे, दो चेन छोड़ के एक वी बनाएंगे, फिर दो चेन छोड़ के यहाँ पे सिक्स बनाएंगे, तीन डबल क्रोशिया, एक चेन, तीन डबल क्रोशिया, फिर दो, फिर छः, फिर दो, फिर छः और लास्ट में दो आएगा। अब यहाँ पे फिर हम ये ऐसा बनाएंगे, यानी कि छः वाला बनाएंगे,
फिर दो, फिर छः, फिर दो, फिर छः, फिर दो, और फिर यहाँ पे कॉर्नर पे ये हमारा 72 चेन होगा। इसमें हम फिर 9 बनाएंगे, यानी इस चेन में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर चेन बनाएंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया एक ही पॉइंट पे, फिर चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 6, फिर 2, फिर 6, फिर 2, फिर 6 और फिर 2, और यहाँ पे हमारा फिर 6 आ जाएगा, यानी कि ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। तो ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 6 बनाया, अब हम एक डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन बनाया और फिर इसी में एक और डबल क्रोशिया, और अब हम यहाँ पे इसे ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट रो देखिए तैयार हो गया, ये हमारा फर्स्ट रो तैयार हो गया है। अब हम फिर 3 चेन बनाएंगे और फिर यहीं पे जो हमने 6 डबल क्रोशिया बनाया है, 3 डबल क्रोशिया एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, तो यहाँ पे हम वापस 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन बनाया, फिर एक चेन, फिर इसी में 3 और डबल क्रोशिया। अब ये हमारा सेकंड राउंड शुरू हो गया है। तो अब हम बाकी पहले राउंड को ही दोहराएंगे, बस हम यहाँ मेन में आके हम थोड़ा सा चेंज यहाँ पे करेंगे डिज़ाइन। ये हमारा जो मेन पार्ट है, फ्रंट पार्ट, यहाँ पे बस थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, बाकी जो का त्यों रहेगा। अब हम यहाँ पे एक बल लेंगे और यहाँ पे जहाँ 2 डबल क्रोशिया बनाया है तो वहाँ पे हम 2 बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन और फिर इसी में एक और डबल क्रोशिया। फिर हम एक बल लेंगे, यहाँ पे हमने 6 बनाया था तो बीच में चेन, जहाँ पे बीच में चेन है वहाँ पे हम फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3, फिर एक चेन लेंगे, फिर इसी में 3 और डबल क्रोशिया, 1, 2, 2, 3, फिर बल लेंगे, फिर यहाँ पे देखिए हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया है यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर वापस 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन लिया, फिर इसी में एक और डबल क्रोशिया। फिर हम बल लेंगे, यहाँ पे देखिए 6 डबल क्रोशिया बना है तो यहाँ 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाया, 2, 3, एक चेन, फिर इसी में 3 डबल क्रोशिया और, 1, 2, 3, फिर यहाँ पे हमारा 2 डबल क्रोशिया, यानी हम अपने फर्स्ट राउंड को ही यहाँ रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पे आके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब ये मेन पार्ट है, तो बल लेंगे, यहाँ पे हमने 9 डबल क्रोशिया बनाया है तो 3 के बाद जो चेन है उसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2, 3, फिर एक चेन लेंगे और फिर इसी में 3 डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, फिर एक बल लेंगे और
यहाँ पे जो तीन डबल क्रोशिया के बाद जो चेन बना है इसमें हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन, फिर एक चेन लेंगे और फिर इसी में तीन डबल क्रोशिया, एक दो और तीन, और बाकी जहाँ पे दो डबल क्रोशिया है वहाँ दो डबल क्रोशिया और जहाँ छः डबल क्रोशिया है वहाँ छः डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो और फिर अब हम मेन में इसको रिपीट करेंगे, तो मैं शेष बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, फिर हम थर्ड राउंड में अपने फ्रंट पार्ट पे आ गए हैं। तो एक बल लेंगे और यहाँ पे छः डबल क्रोशिया बना है, तो यहाँ पे बीच वाले चेन में हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर इसी में तीन डबल क्रोशिया, एक दो तीन, एक बल लेंगे। अब ये जो बीच में स्पेस बना है यहाँ पे हमने पहले में नौ बनाया था, फिर और नौ के बीच में दो चेन था, तो इन दोनों चेन पे छः छः डबल क्रोशिया बनाया और यहाँ पे खाली जगह है, तो अब कि यहाँ पे एक हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर एक बल लेंगे। अब ये जो छः डबल क्रोशिया बना है तो इस बीच वाले चेन पे हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन, फिर एक बल चेन बनाएंगे, फिर इसी में तीन डबल क्रोशिया, और फिर जहाँ जो बना है यहाँ दो वी सिक्स टू सिक्स टू सिक्स करके हम फिर मेन में ऐसे ही बनाएंगे। तो मैं राउंड थर्ड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा थर्ड रो जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसको स्लिप स्टिच से हम यहाँ पहले वाले चेन में जोड़ देंगे, फिर तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन, और फिर यहाँ से हम अपना फोर्थ रो शुरू करेंगे, जो जहाँ सिक्स बना है वहाँ सिक्स और जहाँ टू दो बना है वहाँ दो बनाते हुए हम ये फ्रंट पे आएंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट और बैक दोनों सेम बनेगा, तो फ्रंट पे आएंगे। तो यहाँ आके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, फिर मैं फ्रंट पे आ गई हूँ, तो बल लेंगे और यहाँ पे देखिए तीन क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर तीन क्रोशिया बना हुआ है। तो यहाँ पे एक चेन जहाँ बना है वहाँ पे हम क्रोशिया डालेंगे, फिर तीन क्रोशिया बनाएंगे, दो तीन डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन लिया, फिर इसी में तीन डबल क्रोशिया, एक दो और तीन, फिर एक बल लेंगे। यहाँ पे देखिए ये एक सिंगल क्रोशिया बना है जिसके दोनों तरफ स्पेस है, तो यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर एक बल लेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और फिर यहीं पे दूसरी साइड में एक सिंगल क्रोशिया। अब फिर यहाँ पे हमारा छः चेन है, तो यहाँ पे तीन क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चेन लेंगे, फिर तीन डबल क्रोशिया,
और इसके बाद फिर जहाँ दो बना है वहाँ दो, जहाँ छः बना है छः, बनाते हुए हम दूसरी साइड में भी सेम ऐसे ही बनाएंगे और फोर्थ रो कंप्लीट कर लेंगे। तो फोर्थ रो कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब ये हमारा फोर्थ रो जो है वो कंप्लीट हो गया। तो हम अब यहाँ पे जहाँ छः डबल क्रोशेट बना है उसके पहले में इसे हम अटैच कर लेंगे और यहाँ पे अब हम अपना दूसरा कलर लगाएंगे। यहाँ पे हम अपना दूसरा कलर लगाएंगे और इसको खींच के टाइट कर देंगे, इसको दूसरी तरफ कर देंगे और तीन चेन लेंगे, एक दो तीन, और फिर यहाँ पे हम छः डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन, फिर एक चेन लेंगे और फिर तीन डबल क्रोशिया, यानी कि जहाँ दो है वहाँ दो, जहाँ छः है वहाँ छः बनाते हुए हम मेन पार्ट पे आएंगे। तो यहाँ पे आके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन पे डिज़ाइन बनाते हुए मैं मेन पार्ट पे आ गई हूँ। तो दोनों तरफ हमने छः छः क्रोशिया बनाया था और बीच में यहाँ पे दो सिंगल क्रोशिया बनाया है। तो अब यहाँ पे हम एक बल लेंगे, तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन, फिर तीन डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और फिर तीन डबल क्रोशिया, तीन चेन, तीन डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर तीन डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर तीन डबल क्रोशिया, एक दो तीन, यानी कि ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट हम फिर से दोहरा रहे हैं। पहला लाइन हम यहाँ पे नौ डबल क्रोशिया बना था, तीन डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर तीन डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर तीन डबल क्रोशिया, तो वही हमने यहाँ पे बनाया है, यानी यहाँ से फिर डिज़ाइन शुरू हो जा रहा है। अब यहाँ पे छः डबल क्रोशिया, एक दो तीन चेन, फिर तीन डबल क्रोशिया, यानी जहाँ पे जो डिज़ाइन बना हुआ है उसी को बनाते हुए हम लाइन कंप्लीट करेंगे, यानी यही चारों लाइनों को हमें वापस पीले रंग में दोहराना है। तो कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इन्हीं चारों लाइनों को दोहराते हुए ये पोंचो तैयार हो गया है। अब इसमें ऊपर बॉर्डर बनाना है और नीचे पम्पम लगाना है। बॉर्डर बनाने के लिए हम अपना मेन कलर लेंगे और एक चेन निकालेंगे। अब इसको या तो हम गांठ लगा दें या फिर इस तरह कर दें तो भी हमारा ये नहीं निकलेगा। अब हम तीन चेन बनाएंगे और यहाँ पे पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये हमारा तीन हुआ, चार और पांच, और इसको हम जहाँ तक ये जाता है उसको जाने देंगे और यहाँ पे अटैच कर देंगे। फिर हम एक बल लेंगे और थोड़ी दूर से पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो तीन चार और पांच, और इसको हम जहाँ तक जाता है जाने देंगे और इसे
हम अटैच कर लेंगे। तो ये हमारा ऐसे बनना शुरू हो गया है। फिर हम एक बल लेंगे और ये जो हम गैप दिख रहा है यहाँ से हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3 4 और 5 और फिर इसे ऐसे जहाँ तक जाता है ऐसे जाने देंगे और फिर इसे हम ज्वाइंट कर लेंगे। तो इसी तरह हम चारों तरफ बना लेंगे। तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, चारों तरफ ये हमने बॉर्डर बना लिया और ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। और अब इसको हम काटेंगे और इसको अंदर की तरफ कर लेंगे। और अब इसमें हम पॉम्पम लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने 33 इंच के ऐसे लंबे लंबे थ्रेड काट लिए हैं। उसमें से एक ऐसे निकालेंगे। हमने इसे 8 टाइम फोल्ड कर लिया है। उसके बाद जो ये स्पेस है ये उसमें ऐसे ऊपर से डालेंगे और फिर उंगली डाल के ऐसे और इसको ऐसे खींच लेंगे और फिर ऐसे टाइट कर देंगे। थ्रेड लेंगे, डबल फोल्ड करेंगे, फिर इसको वापस फोल्ड करेंगे और इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा 8 टाइम फोल्ड हो गया है। अब इसको ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे ऊपर से डालेंगे और इसके सिरे को ऐसे देखिए पूरा ऐसे होना चाहिए। अब इसमें उंगली डालेंगे और ये जो हमने पकड़ा है इसको ऐसे करके निकाल लेंगे, खींच देंगे। ये हमारा देखिए बन गया। ऐसे ही करके हम एक एक थ्रेड लेते जाएंगे और इसको 8 टाइम फोल्ड कर लेंगे और ऐसे ऊपर से डालेंगे। डाला, खींचा और इसमें ऐसे उंगली डाला और इसको इधर से ऐसे निकाल दिया, टाइट कर दिया। ये देखिए हमारा ये पम्पम बनना शुरू हो गया है। ऐसे ही करके हम चारों तरफ लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, नीचे मैंने पम्पम लगा लिया है, गला बन गया है और अब इसमें डोरी लगाना है और डोरी में पम्पम लगाना है। डोरी बनाने के लिए हमें जितना भी लंबा डोरी चाहिए, मान लीजिए कि हमें 5 इंच लंबा डोरी चाहिए तो हम 10 इंच ऐसे लंबा धागा नाप लेंगे, यानी जितना डोरी बनाना है उसके जस्ट डबल। और उसके बाद ये हमारा दूसरी साइड में रहेगा। अब यहाँ से पकड़ेंगे, हाथ में ऐसे लपेटेंगे और इसको यहाँ पकड़ा, ये हमारा 10 इंच है। और उसके बाद क्रोशिए को ऐसे ऊपर रखा, यहाँ एक टर्न किया, इसको पकड़ के इसमें से एक ऐसे बल निकाल लेंगे। ये हमारा एक लूप बन गया। अब इसमें से हम अब इसको यहाँ पकड़ेंगे और देखिए ये वाला जो हमने 10 इंच इधर छोड़ा था उसमें से ऐसे नीचे से उठाएंगे और ये ऐसे जैसे हम बनाते हैं वैसे बना लेंगे। ये हम इसमें से ऐसे क्रोशिया इन दोनों के बीच में ऐसे रखेंगे, इसमें से ऐसे उठाएंगे और इस पर से ऐसे बना लेंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, नीचे से ऐसे निकाला और हुक से पकड़ के खींच लिया, क्रोशिया इस धागे के नीचे से ऐसे ले गए और इसको पकड़ के ऐसे खींच लिया।
आराम से बनता चला जाएगा। ये हमारी एक मजबूत डोरी बन के तैयार हो जाएगी। देखिए, तो मैंने ये डोरी इसी विधि से मैंने ये डोरी तैयार कर ली है और अब इसको हम पोंचू में डालेंगे। तो ये मैंने धागा डाल लिया है। अब इसमें धागे में हमें पॉम्पम लगाना होगा। पॉम्पम बनाने के लिए ऐसे हम थ्रेड लेंगे और इसमें हम 30 राउंड ऐसे कर लेंगे।